Hello everyone and welcome to Topper's Talk series. In this series, we talk with different students who have qualified CSIRNet or GATE exam and we try to understand what was their strategies, what they did in their preparation, how they prepared for the exam, so that those who are preparing for it, they get to know a few new things, right? So this particular video is going to be in Hindi. Ye video Hindi mein hone wali aur aaj hamare saath दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी एस आई आर नेट जे आर एफ और गेट दोनों ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और अभी वो दोनों रिसर्च स्कॉलर हैं इन आई आई टी रूरकी. सो हमने उनसे बातें की, हमने उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें नई सीखी या ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन उनकी क्या टिप्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उनके लिए. सो आई होप कि जो भी लोग आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगले एग्ज़ाम को देने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है. आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हो, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं अपने सीनियर से, अपने लाइक अपने साथ फ्रेंड से जो क्वालिफाई कर पाते हैं एग्ज़ाम को, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड किया ताकि वो एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, राइट. तो ये पूरा वीडियो हमारा कन्वर्सेशन है विद आर्या सिंह एंड यशदीप मौर्य. बोथ ऑफ देम, एज आई सेड, दे आर रिसर्च स्कॉलर इन आई आई टी रूरकी राइट नाउ. एंड आर्या ने सी एस आई आर 2022 जून एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जबकि यशदीप ने सी एस आई आर जे आर एफ 2022 दिसंबर एंड जून, जो कंबाइंड एग्ज़ाम, जो लास्ट सी एस आई नेट एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई किया. और यशदीप ने टी आई एफ आर हैदराबाद के लिए भी क्वालिफाई किया था. तो हम जानेंगे इस वीडियो में उनके पूरी प्रिपरेशन जर्नी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनसे कुछ टिप्स जानने की कोशिश करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. And I will ask Yashdeep and Arya if they will be comfortable to answer you over there. All right. So the next part of the video is my conversation with Yashdeep and Arya both. So Arya or Yashdeep, दोनों ने ही CSIR JRF qualify किया है, gate भी qualify किया है, and based upon their score in CSIR net and gate, अभी वो लोग research कर रहे हैं in IIT Roorkee. So we'll talk about it. कि कैसे प्रिपरेशन की, कैसे क्वालिफाई किया, क्या इनकी जर्नी रही थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन. और ये इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों मेरे जूनियर हैं, जहाँ से मैंने मास्टर्स किया ये दोनों भी वहीं से मास्टर्स किए. सो दैट्स वाई ये एक बहुत ही लाइक पर्सनल काइंड ऑफ इंटरव्यू है. सो या ठीक है, यशदीप आपसे स्टार्ट करते हैं. तो आप अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को. थैंक यू सर, यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिला, एक ड्रीम टाइप का था मेरा. मैंने सबसे पहले आपके चैनल पे इंटरव्यू देखा था किसी सीनियर का, तो देन आई वाज लाइक कि मैं भी यहाँ पे दूँ मैं एक टाइम पे. सो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए भी. सो थैंक यू सर. अरे प्लेजर इज. तो सर बेसिकली सर मैं 2022 से 2020 टू 22 मेरा मास्टर्स रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में. तो 2020 में कोविड वैसा तो थोड़ा डिले हो गया था, तो हम लोग थोड़ा लेट से शुरू हुए थे, लाइक दिसंबर में शुरू हुआ था हम लोग का बैच. तो फिर 20 में सोचा था कि एग्जाम देना है, प्रोफेशन करना है, तो थोड़ा बट वे सही प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, सोच रहे थे कैसे करें. तो धीरे धीरे जब मार्च 21 आ गया, देन रियलाइज हुआ कि धीरे धीरे समय बहुत तेजी से निकल रहा है. तो 2021 में खुद से थोड़ा थोड़ा पर्सनली शुरू किया लाइक पढ़ाई के लिए, कि हाँ करना है एग्जाम, क्वालिफाई करना है. तो 2021 में क्योंकि सर हम लोग का कोविड बेस था, तो शुरू शुरू में ऑनलाइन चलती थी क्लासेस 2021 में. तो उस टाइम पे क्योंकि घर पे तो थोड़ा टाइम मिल जाता था सेल्फ स्टडी के लिए, बट क्योंकि बहुत बेसिक से शुरू करना था, कुछ नहीं पता था एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा एग्जाम लाइक मेरा जेएम भी क्वालिफाई नहीं हुआ था उस टाइम, इससे पहले मास्टर्स के. तो पूरा बेसिक से ही पढ़ना था, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे स्टडी किया. फिर मेरे एक फ्रेंड्स थे, एक दो, उन्होंने हमें एकेडमी लिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत लिया. आप वहाँ मिले फिर काफी, फिर आपका वो चैनल फिर मुझे पता चला जिस पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, देन मैं वहाँ उसको सब्सक्राइब करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सर उसमें आपने थोड़ा बहुत पार्ट पार्ट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स कराए, तो थोड़ा थोड़ा से वहाँ से फिर, क्योंकि जो चीज कुछ कुछ लाइक कोई टॉपिक है उनसे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा पूछता पूछता था कि चलो ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो ये तो हो जाएगा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा. बट फिर जब पहली बार से एग्जाम दिया तो उसमें कुछ खास नहीं हुआ, लाइक 72 या 74 मार्क्स थे ऐसे पहली अटेम्प्ट. ये कौन सी बात कर रहे हो? 2000 सर एग्जाम सितंबर में हुआ था एक. हाँ सितंबर 2020 में. हाँ 2020 वाला. हाँ सर उसके. हाँ 2020 में नहीं हुआ था सर वो, 2021 सितंबर में हुआ था एक.
डिले हो गया था ना कोविड वाला, हाँ पूरा हुआ नहीं था 20। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो फिर उसमें नहीं हुआ, लाइक क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हम लोग इधर फिर ऑफलाइन शुरू हो गया एयू में, क्योंकि फिर कोविड खत्म होने लगा धीरे धीरे। तो फिर इधर भी आ गए, थोड़ा इधर भी प्रोफेशनल किया, फिर थोड़ा 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 मास्टर्स भी चला था पैरेलली किए। तो फिर मेरा फिर अभी मैं अनअकैडमी से नॉर्मली पढ़ने लगा था, लाइक आप थे वहाँ पे, कुलदीप सर थे, बड़े अच्छे तो टीचर, सोनू सर थे वहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से मतलब यू सब्सक्रिप्शन था उससे मैं शुरू कर दिया था, तो जितना मुझे टाइम मिलता था मास्टर्स के अलावा। देन उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट दिया, सेप्टेम्बर में हुआ था आई थिंक, हाँ सेप्टेम्बर में हुआ था, 2022 सेप्टेम्बर। तो देन उसमें भी सेम मार्क्स रहे मेरे, बल्कि 2 मार्क्स कम ही थे शायद पिछली बार से। हाँ अच्छा सर, उसके बाद ये सेप्टेम्बर की बात है, 2022 की। देन अगेन फिर मैंने डिफर के लिए भी अप्लाई किया था, फिर तो सर मेरा डिफर भी हुआ, लाइक डिफर का मेरा रिटर्न हुआ था 20 दिसंबर में। फिर क्योंकि मेरा मास्टर्स खत्म हो गया था 2022 में सेप्टेम्बर में, तो फिर मेरे पास टाइम था, मुझे पता था कि अब तो खत्म हो गया, अब यही कर रहे हैं। तो फिर मैं वापस से, मैं सर पिछले 2 पेपर में मैं एक गलती करता था, मैं एप्टीट्यूड मेरा 0 था दोनों पेपर में, तो जीरो था। इस बार मैंने एप्टीट्यूड आपके अपने सीरीज शुरू करी थी ना, नहीं तो उससे मैंने पूरा एक एक डेली देखा, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जितना मुझे टाइम मिलता था, एक एक वीडियो आपकी डेली आती, हर दूसरे दिन आती थी तो मैं देखता था, उसे ट्रैक करता था। तो इस बार तो मेरा दिसंबर में एक्चुअली वो हुआ, टीफर हुआ, तो उसका फेब में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में तो मेरा नहीं हुआ, बट फेब में गेट भी था, तो मैं वहाँ पे गेट क्वालिफाई किया फेब में। देन उसके बाद फिर बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, मतलब मेरे 1500-1500 रैंक थी गेट में। अच्छा देन उसके बेसिस पे मैंने आईडीज में अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि था कि एडमिशन ले लेंगे, ड्रॉप लेना सही नहीं है, फिर नेट पता नहीं हुआ ना हो। उस समय गेट नेट एग्जाम भी नहीं हुआ था, 5-6 जून में था आई थिंक, 6 या 7 इंटरव्यू पहले ही शुरू हो गए थे, तो फिर उधर से इंटरव्यू देना शुरू किया कई आईडीज में। एंड देन नेट का एग्जाम 7 जून को था, फिर मैं उस टाइम पे मैं काफी इंटरव्यू दे चुका था, एक दो जगह शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, आपको मैंने ईमेल मैसेज भी किया था कि सर यहाँ हो गया है, क्या करना है, क्या लेना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जिस दिन मेरा सर आई थिंक नेट का पेपर था, नेट का मैं पेपर दे के निकला था, उसी दिन यहाँ की वो आई थी लिस्ट आईटी रुड़की की, IT रोड के हाँ आई एम सिलेक्टेड हियर। तो फिर हाँ ऐसे तो सर बेसिकली यही ओवरव्यू है कैसे किया, बट सर एग्जाम जो जो गलतियां मैं कर रहा हूँ, वो गलतियां यही थी कि मैं पीवाईक्यू सही से नहीं लगाता था वहाँ अच्छा पहले एग्जाम, फिर बाद में मैंने सारे पीवाईक्यू लगाए अच्छे से, क्योंकि एक होता है लगाना बस लगा लेना, और एक होता है कि सर उसको लगा के वापस मतलब रिकॉल करना, सोचना कि क्या किया है। तो फिर वो लास्ट में मैंने इस, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, और फिर एप्टीट्यूड भी थोड़ा अच्छे से किया, तो फिर जाके सर फाइनली थर्ड अटेम्प्ट मेरा हुआ। ग्रेट यशदीप, अभी हम और चीजें जानेंगे आपके प्रिपरेशन के बारे में। तो बिल्कुल सर, आर्या, आप बताइए, आपने कैसे, आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे थी? बैच तो दोनों का सेम ही था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है ना, तो हाँ सर, क्लासेस जैसा सेम तरीके लाइक से चली होंगी। 22 से, हाँ सर 2020 से 2022 हमारा बैच था सर। मैंने प्रिपरेशन 21 में स्टार्ट करी थी, क्योंकि वो उस टाइम क्लासेस मेनली ऑनलाइन चलते थे 21 में, तो ऑफलाइन क्लासेस 22 में ही हुई मेनली हम लोग की। तो वहां पे 21 में मींस ऐसा था कि बीएससी तो जैसे तैसे सर बीत गई, ऐसे रट वट के एग्जाम हो गया सर। बट एमएससी के लिए जब इंट्रेंस के लिए जब प्रिपेयर करने लगे, तो थोड़े लगा कि हाँ मेहनत की जरूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वीक थी, उतना कुछ नॉलेज था नहीं, जैम भी दिया था, तो मीन्स जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर सर कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर एमएससी में एडमिशन मीन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिला, फिर उसके बाद सोचा आगे क्या करना है, देन क्योंकि उस फेज पे समझ आ चुका था कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे भी प्रॉब्लम होने वाली है। देन फिर वो आपका इंटरव्यू देखा था, मतलब मोटिवेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था। पहले उस टाइम ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा एग्जाम निकल पाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं आती थी केमिस्ट्री। तो फिर वो नुपुर दीदी का इंटरव्यू देखा, एंड और भी 2 दिन इंटरव्यू देखे आपकी, तो लगा कि हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ कैसे होता है। फिर अकेडमी ज्वाइन किया, फिर भी उतनी नॉलेज नहीं थी कि किससे काम क्या पढ़े, बट हाँ आपको जानते थे लाइक यूट्यूब के थ्रू, तो आपकी क्लासेस फॉलो की, बाकी एजुकेटर्स के भी किए,
मेनली नोट्स बनाने स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में तो नोट्स प्रिपरेशन में कुछ उतना समझ नहीं आता था, बस रहता था कि हाँ नोट्स बना रहे नोट्स बना हैं, लो। हाँ, लेकिन उसको दोबारा पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आता, तो देन दोबारा लेक्चर्स फॉलो करते थे नोट्स के साथ, ऐसे करते करते लाइक स्टार्टिंग नोट्स प्रिपरेशन से की मैंने, सारे नोट्स बनाए एंड देन फिर उसको रिविजन किया बार बार। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 फेब में जो हुआ था, हाँ, फेब में फेब्रुअरी। हुआ था, देन सेकेंड हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अप्रोक्स 70 मार्क्स थे, एंड देन सेकेंड अटेम्प्ट जो सितंबर में हुआ था वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो देन सर जो पहला दिया था, मीन्स एप्टीट्यूड तो मेरे दोनों में उतने सही नहीं रहे, पहले में भी वही था, आई थिंक एक या दो नंबर थे, दूसरे में भी आई थिंक 4 4 मार्क्स ही थे, बट हाँ एप्टीट्यूड तो बहुत मैटर करता है सर, उससे ये समझ आ गया था। लेकिन उतना एप्टीट्यूड पे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, फेब में क्या था कि क्लासेस ऑनलाइन से मतलब ऑफलाइन हो गई, तो वो हमारा बैच ही खत्म हुआ था आई थिंक जुलाई लास्ट अगस्त तक, सितंबर में एग्जाम था, तो क्लासेस के टाइम तो पढ़ाई स्टॉप हो गई थी, जो भी थी वो ऑनलाइन के टाइम पे जो भी की थी क्लासेस, फिर भी वो ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो सब कुछ जाने लगा वापस से, फिर वो 1 month जो भी मिले थे लास्ट में देन वापस से, ये था कि उस टाइम जो टाइम मिला था हमें ऑनलाइन के टाइम, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स सारे लगा चुके थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी जो पोर्शन लगता था कि हाँ हो पाएगा वो, एंड फिजिकल में भी मेन मेन पार्ट्स जो भी इम्पोर्टेंट लगे थे वो PYQs लगा चुके थे, तो उसका बहुत हेल्प मिला, लाइक सब कुछ वापस जब रिवीजन करने लगे तो वो वापस से याद आने लगी चीजें, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स मैंने यही पूरे फॉलो किए एग्जाम में, एंड देन सर तो आपका कौन सा, दोनों का सेम एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या अलग अलग CSIRnet? यशदीप का तो गेट बहुत पहले क्वालिफाई हुआ। मेरा सर September 22 का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, देन अच्छा। मैं सर मैंने अप्लाई नहीं किया उस टाइम, मैं सोची गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैंने गेट के लिए ट्राई किया कि 23 का गेट कर लेते हैं देन फिर जो भी ऑप्शन हो, हालांकि 23 में भी उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, कुछ घर में फंक्शंस वगैरह थे तो उसमें इंगेज होने की वजह से, तो फिर अच्छा, अभी लगता है लाइक उस टाइम भी हो जाते तो लाइक अभी थोड़ा और वो आगे हो गया होते फ्लो में हो PhD जाता वो, में। है ना, वो एक CSIRnet हुआ तो उसी फ्लो में गेट भी हो जाता। कोई बात नहीं, हाँ अगला वाला है कुछ तो ऐसा हुआ नहीं सर, नेक्स्ट वाला प्लान कर रहा हूँ देने मेरा का। असल कैसे, मैं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट वाला गेट आप दोगे या अब नहीं दोगे? हाँ अच्छा, सर हाँ हाँ सर यशदीप, कुछ सोचा है, बट ये कि टाइम आप, टाइम मुश्किल है थोड़ा अभी मिलना। तो टाइम उतना नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए सर। सर तो यशदीप कुछ कर मेरा रहे? मेरा हाँ सर हाँ सर, मैं बोला था कि इसका आर्य का 2022 सितंबर वाला क्वालिफाई हुआ था, मेरा सारे 23 वाले क्वालिफाई हुए, डिपर गेट नेट सारे। सारे, चलो अच्छा है यार। ये तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप दोनों का ही क्वालिफाई नहीं हुआ है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों के अप्रोक्स 70 मार्क्स बता रहे हो आप लोग, लगभग वैसे ही थे। तो फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूँ, उनके साथ यही होता है, जैसे किसी का 2 बार नहीं हो रहा, कि कई बच्चे हैं जो बताते हैं सर मैं 2018 से 19 से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो हर बार अपने आप को फिर से मोटिवेट करना एग्जाम देने के लिए, देखो यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मैं भी बहुत वीडियोस बनाता हूँ, बट जब तक तुम्हें अंदर से खुद से नहीं होगा ना वो मोटिवेशन, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग ने क्या, कैसे खुद को मोटिवेट किया नेक्स्ट वाले के लिए। सर नहीं सर, वो यूट्यूब कहीं ना कहीं जो आपके लेक्चर्स एग्जाम के बाद होते हैं, हम एग्जाम दे के आते हैं, हमें पता रहता है हम क्या करके आए हैं, देन वो आपके जो भी यूट्यूब पे आपने जो भी वीडियो अपलोड करते हैं लाइक, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, ऐसे लगता है कि हाँ फिर दोबारा कर सकते हैं ट्राई, तो ऐसे नहीं है सर कि ऐसे नहीं, वो बहुत हेल्प करता है सर, और एक्चुअल में वापस से उसी चीज को वापस पढ़ना है वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है सर, क्योंकि उतनी मेहनत हमें वापस करनी है, वो दोबारा हम से। वापस उतनी और सेम क्वेश्चंस फिर से लगाने हैं जो लगाए हैं, वो उस टाइम हो जाते हैं दोबारा भी होते हैं, बट वो एग्जाम में कहीं ना कहीं जाके लाइक गेट के एग्जाम में ऐसे ही हुआ था मेरे साथ 23 में, जो वो क्वेश्चंस एग्जाम्स देने के बाद निकलो तो बहुत इजी लगने लगते हैं, बट वहां पे जो भी सडन, वहाँ गलतियां तो ज्यादा होती हैं। उसके हाँ। बाद हाँ सर, तो फिर वो मोटिवेशन तो वहीं से मिलता है लाइक एक बार फेल, ये था कि हमें पहले से ये भी था ना कि एग्जाम बहुत हाई लेवल का है, और जब जैसे हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी उस टाइम तो ये भी नहीं था कि लाइक मुझे अपने ऊपर ये नहीं था कि मेरे 70 मार्क्स भी आ पाएंगे, अच्छा। लाइक ऐसे था,
तो वो 70 भी था कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 भी बहुत सही है, अगर 70 आ सकते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में 100 तो पहुंच ही सकते हैं सर, तो बिल्कुल। ये सोच के फिर आगे कंटिन्यू किया। चलिए और यशदेव आप? सर, मेरा ये था कि जैसे पहले अटेम्प्ट में मेरे भी 70 थे, तो थोड़ा जब एग्जाम दे के आया था तो थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि सोचा था, मेहनत किया था उस टाइम, क्योंकि और सारा ऑनलाइन क्लास था, तो लेकिन इतना पता था कि उसके लिए और मेहनत चाहिए, एक बार में तो मुश्किल ही है जब बेसिक शुरू से क्लियर ना हो। तो फिर मेरा सर मेन यही था कि पिछले पेपर में जो गलती हुई है वो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको पता बिल्कुल होना चाहिए कि आप गलत क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले पेपर में मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सही से नहीं पढ़ी थी। पेपर में फिजिकल का अच्छा वेटेज आता है, मतलब फिजिकल सारा नहीं पढ़ना है लेकिन एटलीस्ट 30% आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ, इतना पढ़ना ये चाहिए। हम गेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, गेट के लिए बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली गेट का मैं सर नेट के लिए भी ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना सर, अगर आप जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले पेपर में, पहले दो अटेम्प्ट में मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से की कोशिश की, बट फिजिकल मुझे थोड़ा सा शुरू से थोड़ा फिजिकल से था प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा। तो एक जैसे हमारे पास अगर हम थर्ड सब्जेक्ट का थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं अपने इन दोनों के हिसाब से, अगर उसकी थोड़ी सी बाउंड्री और आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर सर किसी लेवल पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम लोग अटेम्प्ट करेंगे पेपर में तो सेचुरेट हो जाता है, जैसे मैंने दो पेपर दिए, दोनों मेरे में 70 ही है, यानी कि मुझे इस समझ में आ गया था कि ये दोनों मैं कितना भी पढ़ूंगा मुझे लगता है कि मैं 60 70 80 में ही सेचुरेट रह जाऊंगा, तो मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो फिजिकली बचा था मेरे पास। तो फिर फिजिकल और एप्टीट्यूड मैंने अच्छे से किया लास्ट पेपर के लिए। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आप जब क्वेश्चन में, कोई स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर दे के आता है, जब आंसर की आती है उसको एनालाइज करना, कि जैसे आपने जो आपने पढ़ के, जो नहीं हुआ वो तो नहीं होने थे वैसे भी, लेकिन जो आपने बिल्कुल। आते थे वो गलत जो हुए वो गलत क्यों हो रहे हैं, वो मतलब वो सही होने चाहिए नेक्स्ट पेपर में, उस पार्ट से क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो वो एनालिसिस बहुत जरूरी था। तो मैंने पहले पेपर में भी यही किया, नेक्स्ट पेपर में क्योंकि फिजिकल नहीं किया था तो मुझे अंदर से था कि एक बार और करूंगा, फिजिकल अच्छे से करके जाऊंगा इस बार, एटलीस्ट इतना कि उसमें कुछ स्कोर कर सकूं। तो फिर यही था कि पेपर एनालाइज अच्छे से करके देन नेक्स्ट अटेम्प्ट के, हर बार यही कोशिश करता था कि इस बार इस पार्ट को एक्स्ट्रा करके जा रहा हूँ तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स लाइक आएंगे। हाँ तो बस इसी इसी कोशिश में सर हो गया बस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक इसके बारे में बहुत यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूँ कि रिजल्ट यस सर, एनालाइज करना, आंसर की एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और रिस्पॉन्स शीट इसीलिए मिलती है हमें एक्चुअली। आप CSR नेट ले लो, गेट ले लो, हर कोई रिस्पॉन्स शीट पहले नहीं मिलती थी जब ऑफलाइन होता था एग्जाम, जब से ऑनलाइन हुआ है तो रिस्पॉन्स शीट मिलती है। आप उससे एनालाइज करो और अगली बार जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो जो आपको खुद समझ में आएगा कि कमियां कहाँ। अगर आप काम नहीं करोगे तो जैसा आपने कहा, आप वहीं सेचुरेटेड रहोगे या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम सेम प्रिपरेशन के साथ ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ तो करना यस पड़ेगा। सर भाई, जैसे आर्य ने बताया, उसने एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ा, आपने फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया, तो ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज होगा। हर बार आपको कुछ देखना होगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चीजें हैं जो आपको सही करनी है, और उसी चीज पे काम करोगे तब नेक्स्ट टाइम आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना? सही सर। और वो सर, वो चीज तभी आप समझ सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर सही से एनालाइज करेंगे, क्योंकि सही से एनालाइज आपको करें। तभी पता बिल्कुल चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। सही बिल्कुल बात है बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करना, आंसर की को एग्जाम के बाद मुझे लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये काम तो करना ही चाहिए, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट यस करना चाहिए, है ना? तो yes। 15 अभी दिन तक इस काम पे ध्यान देना चाहिए मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है, एग्जाम के बिल्कुल बाद, आंसर के आने के बाद। क्या होता है, जैसे रिजल्ट आया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो ह्यूमन नेचर है, हर किसी को, मेरा भी नहीं होगा तो मुझे भी बुरा यस लगेगा। तो वो यस कुछ दिन ले लो उसमें, फिर रिजल्ट आया है उसको डाउनलोड करके रखो, उसको एनालाइज करो, और फिर उसी को दोबारा से जब प्रिपरेशन करें तो वो गलतियां सुधारने का टाइम उसमें रहता है। मतलब आपको वो चीज़ें दोबारा मिस्टेक नहीं करनी है, कमियां कहाँ हैं वो उनको उन पे काम करना है। तो जितने भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं इस वाले CSR नेट के लिए या गेट के लिए, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एनालिसिस करना ज़रूरी है और अपनी वीकनेस पे काम करना ज़रूरी है ना? तो अब बात करते हैं, लाइक यशदीप, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ दी थी आप दोनों ने ही टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले, जैसे कुछ चीजें होती है ना जो हर कोई देता है, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया था? सर एक्चुअली जब मैं अनअकैडमी पे था, जब तक मैंने यूज किया, क्योंकि लास्ट टाइम में सर लास्ट में, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी थे सब कुछ थे, तो लास्ट जब मैंने अपना ये वाला अटेम्प्ट किया तो मैंने अनअकैडमी से मतलब उतना रिफर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, मुझे पता था कि क्वेश्चन करने हैं अभी, टाइम ज्यादा नहीं है तो लास्ट हाँ में, बट उससे पहले। और टेस्ट सीरीज सर इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जैसे हमें पता होना चाहिए ना हमने क्या किया है, मतलब बिल्कुल क्या किया है इतने दिनों में। बट मैं सर हमेशा पहले दो पहले एक पहले वाले अटेम्प्ट में तो नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, बट मैंने एक थोड़ी गलती करके उसमें मैंने लास्ट में भी काफी टेस्ट लिया, जैसे
एग्जाम थोड़े करीब आके, तो हम्म। वो उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली में। हमें कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है 10 दिन 15 दिन पहले ही टेस्ट सीरीज बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल हाँ उससे पहले तक अपना टेस्ट सीरीज दे, जितना भी मार्क्स आ रहा है उसको छोड़ के जो चीजें हमें आती हैं, जो हमने पढ़ी हैं, वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं उस पर फोकस करना है, नंबर कुछ भी है। क्योंकि सर टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे ऑनेस्टली, अनअकैडमी पे काफी मॉक टेस्ट या जो भी थे काफी थे वहाँ पे सीएसआईआर नेट के लिए। और सर इसके लिए गेट के लिए भी मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी अदर इंस्टीट्यूट की। तो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले तक के लिए बस, एग्जाम से 15 दिन, उससे बाद के लिए फिर वो हार्मफुल है सर, उसके ज्यादा जरूरी नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे आपने आपने क्या किया था? सर मैंने वो एग्जाम के पहले आई थिंक 1 और 2 मंथ्स मैंने फुल लेंथ पेपर दिए हैं, लाइक वीक में 1 या 2, दो तो मैं देती ही थी, क्योंकि फुल लेंथ पेपर देने का मन तो बिल्कुल होता नहीं था, क्योंकि वो 3 घंटे बैठ के और वो पूरा पेपर देना थोड़ा वो लगता है, और जब हमारे पास ऐसे माहौल ना हो तो ऐसा लगता है बीच में हम उठ भी जाते हैं पेपर से। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल 3 घंटे बैठे रहना भी, इफ हम क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं, तो उससे काफी कुछ हमें पता चलता है, क्योंकि हम एग्जाम में भी 3 घंटे बैठने हैं। तो फुल लेंथ में तो मार्क्स उतने अच्छे आते नहीं थे, कभी 50 55 ऐसे आते थे, बट कभी कभी 100 क्रॉस भी करते थे जब पेपर थोड़ा इजी होता था, तो उस टाइम अच्छा लगता था। लेकिन जब कम होते थे तो वापस उस पेपर को एनालाइज करने का मन नहीं करता था कि वापस से हम सॉल्यूशन देंगे, लेकिन फिर भी मैं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत उसी पे वर्क करने पे हमारा एग्जाम हो सकता है। तो मैंने लास्ट के 1 मंथ वो मेरे एमएससी मतलब खत्म होने के बाद जो ड्यूरेशन था 1.5 मंथ आई थिंक, तो उसमें मैंने आई थिंक 7 8 ये फुल लेंथ पेपर्स दिए हैं और पूरे उसको एनालाइज भी किया है, क्योंकि उससे मेन हम टाइम कुछ भी नहीं तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। क्योंकि जब पहला दूसरा दो तीन पेपर दिया तो उसमें ये था कि सेक्शन सी किया फिर बी किया, कुछ पैटर्न समझ नहीं आता है, लाइक वो ए पता चला कि कुछ क्वेश्चन आ रहा है बट हम नहीं कर पाए, छूट गया पेपर। तो वो थोड़ा बहुत वो चीजें बदलती हैं उसको करने से, लाइक फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे सी पहले करना है देन बी, एंड उसके बाद ए बी लाइक जो हो जा रहा है वन गो में उसको तो कर देंगे, फिर उसके बाद जो चीजें बच रही है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम अगर फुल लेंथ पेपर देंगे तभी सीख पाएंगे, वरना बिल्कुल डायरेक्ट अगर हम सेंटर पहुंच के एग्जाम लेके बैठेंगे तो वहां सब कुछ ऐसा लगता है कि हम थर्ड सेक्शन सी ही 2 3 घंटे 2 2.5 घंटे में बैठ के कर रहे हैं और उधर बी और ए रह गया हमारा। तो इसके लिए से फुल लेंथ पेपर तो बहुत इम्पोर्टेंट है देना। यशदीप मैं हाँ तुमसे भी सर, पूछने वाला था ये कि कैसे आपने ये सेक्शन वाइज कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट किया ए बी सी, मतलब अगर आप हाँ सीएसआर नेट की बात करो। सर एक्चुअली अभी जो आर्या ने बताया कि फुल लेंथ टेस्ट क्वेश्चन उसने लास्ट में दिया था, एक्चुअली सर मैंने एक्चुअली एग्जैक्ट सेम गलती करी थी, मैंने लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए थे और मैंने सेक्शन सी में 2 घंटे दिए थे इसीलिए। और सेक्शन बी में पहुंचते ए में जैसे मैं एंटर हुआ टाइम मेरा जा चुका था, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं दिया था तो मुझे पता नहीं था टाइम कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने अभी आप जो अभी मैं आपके क्वेश्चन करता हूँ सर, जो आपने बोला कि कैसे किया सेक्शन वाइज, तो सर आपने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे 3 गो या 3 क्लॉक करके था, मुझे हाँ एग्जैक्टली हाँ याद हाँ नहीं है, थ्री 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 राउंड मेथड, हाँ थ्री साइकिल राउंड सर मेथड वो ऐसे फॉलो करके। किया है सर। हाँ हाँ सर एग्जैक्टली सर, तो वो 3 राउंड मेथड मैंने फॉलो किया। हाँ बट सर मैंने सेक्शन सेक्शन सब अपने हिसाब से चूज करते हैं, मैंने सेक्शन सी पहले किया क्योंकि लास्ट 2 पेपर में मैंने सेक्शन ए 0 मेरे थे, 0 मार्क्स दोनों मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था, इसीलिए अच्छा मैंने पहले सेक्शन सी किया देन सेक्शन ए एंड देन सेक्शन बी किया इस बार, उसी ओके को 3 राउंड में 3 3 बार सेम प्रोसीजर। सेक्शन सी को मैंने पहले 45 मिनट देने का टाइम वो किया अपने आप से कि 45 मिनट देने जितने होते हैं होते हैं, बट वो सर थोड़ा ज्यादा हो गया अप्रोक्स 1 आवर हो गया, क्योंकि वो सब पता नहीं चलता वहां पे। हाँ वहाँ टाइम, वहाँ क्वेश्चन देख के ना लालच आता है कि थोड़ा और टाइम देंगे तो शायद यस ये सर, यस हो सर। जाएगा। हाँ और सर वो एग्जाम में टाइम ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप कितना टाइम दे रहे हो, लास्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे चुके होते हैं हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को, बिल्कुल हमें खुद हाँ नहीं हाँ पता होता। तो फिर मैं फिर सेक्शन सी बी सी ए फिर बी ऐसे करके, लेकिन मैंने सेक्शन ए को सर 2 ही बार दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए वो उतना काफी है, मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं करना चाहता था सेक्शन ए में, इसलिए फिर मैं उसमें सर मेरे एक ही गलत हुए जितना अटेम्प्ट किया था। तो बाकी फिर सी ए बी देन सी ए बी देन सी बी बढ़िया। ऐसे करके मैंने किया, तो इस बार मेरे 100 मार्क्स हैं, मैं फाइनली हो गया। चलो अच्छा है। तुम दोनों ने मतलब काफी प्रिपरेशन अपनी, मतलब मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि जो मैं जैसे बोलता हूँ वो चीजें आप लोगों ने मानी है और वो चीजें अप्लाई की हैं। जैसे
मिस्टेक्स पे काम करना, देन वो जो 3 राउंड मेथड टेक्निक है, ये सब चीज़ें फॉलो करना। सो अच्छा लगता है सुन करके कि हाँ, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ या कुछ चीज़ें हैं तो बच्चे उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, दैट्स गुड। और इफेक्टिव भी है, तभी आप लोग यहाँ पर हो अभी, है कि नहीं? यस यस बहुत इफेक्टिव। तो अभी बच्चे बहुत सारे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत से हैं जिन्होंने हो सकता है पहले अटेम्प्ट दिया होगा, नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे आप लोग? क्योंकि आप अब आप लोग भी हो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास लाइक होता है ना, एक ग्रिल हुए हो आप लोग और फिर आप क्वालिफाई किए हो, तो आपको नॉलेज अब इतनी तो है कि आप किसी को गाइड कर सको, सजेस्ट कर सको, तो टिप्स आप लोग एक एक करके अगर देना चाहो तो ठीक है। यशदीप पहले आप बताओ। सर मैं मुझे क्या लगता है सर, इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर मैं सीएसआईआर नेट की बात करूंगा अभी, फिर देन गेट के लिए, दोनों के लिए सर थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी है। मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा अलग तो है दोनों के लिए, सिलेबस भले सेम लगता हो लेकिन स्ट्रेटेजी दोनों के लिए अलग होनी चाहिए। तो सर नेट के लिए ये है, मुझे क्या लगता है कि सर हम लोग को जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको PYQ क्लियर होने ही चाहिए। तो सर मैंने एग्जाम के लिए क्या किया था, मैंने एक शीट बनाई थी लास्ट जब मैंने इस बार अटेम्प्ट किया, मैंने एक शीट बनाई थी, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए जो मुझे प्रिपेयर किए थे मैंने, जो मुझे एग्जाम में लेके जाने थे, सारे जितने मुझे लिखे, जो नहीं लिखा ना तो उनको मैंने लिखा भी नहीं। उसके बाद सर मैंने उनके आगे एक ब्लॉक बना दिया, और उसके बाद मैंने जैसे मैंने लिखा क्वांटम, अगर मैंने लिखा तो फिर मैं वहां पे पहले ब्लॉक में लिखता था 1, मैंने एक बार PYQ लगाया तो 1 लिख दिया, देन नेक्स्ट टाइम लगाता था फिर वहां पे +1 कर देता था, नेक्स्ट टाइम अगेन देन +1। तो सर ऐसे ना वो फिर देखने में अच्छा लगता है, मैं हाँ मैंने क्वांटम 3 बार लगाई है, मैंने क्या केमिकल बॉन्डिंग 5 बार लगाई, मैंने कोऑर्डिनेशन 4 बार लगाई। तो सर वो एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन था मेरे लिए। एट लास्ट जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ उसके 1 वीक पहले, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, 1 वीक पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है सबको, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपीरियंट हो, कितना ही बिल्कुल टैलेंटेड हो, बिल्कुल रैंक 1 वाला भी बंदा हो, सर उसको भी वो स्ट्रेस होता है, ये सबको होता है। तो सर वो स्ट्रेस वाला पार्ट, मैं शीट देखता था तो फिर मुझे लगता था कि मैंने पढ़ा तो है, एटलीस्ट मैंने सर मैं इतने 5 बार 4 बार 6 बार PYQ लगाए हैं तो मैंने एटलीस्ट पढ़ाई तो की है इसमें, तो होगा इस बार, अच्छा किया है मैंने, कोशिश की है सर। तो सर वो PYQ जो ट्रैकर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे ये जान जाओगे कि आप इस सब चैप्टर में या फिर चीज में अच्छा कर रहे हो, आपने 5 बार लगाया तो आपने सीखा तो है काफी कुछ। तो तो आपने सर PYQ वो टॉपिक वाइज किए या फिर लाइक पेपर लेकर के ईयर वाइज? सर मैंने जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक वाइज एक्चुअली सर टॉपिक वाइज किया, सर ओके। उसे ट्रैक करना इजी था, हाँ, क्योंकि ईयर वाइज में फिर हमको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें नहीं आते और फिर हमें स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है, सही है। सर, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग देते थे हर वीक में एक मॉक टेस्ट को लेंथ देता ही था मैं, तो इसलिए मैं PYQ टॉपिक वाइज ही लगाता था। तो फिर उससे ये पता चल जाता था कि हाँ मैंने कोऑर्डिनेशन इतनी बार लगाया इतना, तो उससे उससे बहुत मोटिवेशन मिला उसे। मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा रीजन है, आप मतलब जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये जरूरी है कि वो जो भी चीज लगा रहा है उसे पता होना चाहिए कि हाँ उसने इतनी प्रिपरेशन करी है एट लास्ट, तो वो बिल्कुल अच्छा लगता है फिर, वो थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। तो मुझे लगता है सर ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा नोट्स बुक बहुत ज्यादा सोर्स रिफर करने की जरूरत नहीं है सर, कोई एक भी सोर्स हो बट स्टिक रहो उस पर और खुद पे थोड़ा वर्क करके, लाइक सेम चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और अरे आप बताओ, कुछ टिप्स देना हाँ सर, चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी सर कि एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि ये एग्जाम बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कंडीशन थी मेरे बेसिक्स की, तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं एग्जाम तो गेट और जैम में तो ऐसे मार्क्स थे, लाइक उसके बाद लगा था कि गेट भी नहीं हो पाएगा। हालांकि CSIR नेट से तो गेट का पैटर्न इजी होता है, बट उसके फिर भी मुझे लगता था कि गेट भी नहीं हो पाएगा, तो CSIR नेट तो बहुत बड़ा एग्जाम है एंड ऑल, ये सब दिमाग में पहले से था। लेकिन सर एग्जाम के बाद अभी लाइक प्रिपरेशन के बाद ये लगता है कि कुछ भी चीज लाइक बहुत बड़ी नहीं है अगर हम चाह दे तो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया जीरो से, क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, मुझे बिल्कुल भी बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो लेकिन उसके बाद ये किया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कंसिस्टेंटली किया वो चीज, मैंने जो जो चीजें मुझे पता चलती गई मैंने पढ़ा उसको, और ठीक है जो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती, जैसे मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से, मैं नॉर्मली मैथ्स मेरा वीक था 10th से, तो मैंने 10th में 10th के बाद मैथ्स छोड़ा, देन उसके बाद वो दिमाग में रहता है फिजिक्स के बाद, फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री वो भी मुझे लगती थी कि नहीं हो पाएगी, तो मैंने ये था कि मैं उसके पीछे नहीं भाग रही थी, जिससे रहता था कि जो मेरा स्ट्रांग है मैं उसको अच्छे से करूँ, लाइक इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक पूरा किया, फिजिकल में भी ये था कि पूरा तो छोड़ नहीं सकते हम, किसी एक के बेसिस पे जा नहीं सकते एग्जाम देने, वो तो कभी नहीं होगा। देन मैंने ऑर्गेनिक और फिजिकल में वो पार्ट किए जो मुझे अच्छे
से आ सकते थे जो थोड़े इजी लगते थे मुझे। तो फिजिकल में कुछ चैप्टर्स हैं लाइक क्वांटम वगैरह, वो तो मींस मुझे पहले समझ नहीं आते थे, लेकिन उसके जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही हैं, जो शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व हो सकते हैं, वो मैं प्रिपेयर करके गई ऐसे करके, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चंस मैं करके गई अपने लेवल पे। तो उसी बेसिस पे मेरा एग्जाम हुआ सर। एंड इनऑर्गेनिक मैंने पूरी पढ़ी, लेकिन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल ये दोनों को मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बेस इम्पोर्टेंट पे ही टॉपिक पर है। तैयार किया। एंड सर पीवाईक्यूज लगाए कंसिस्टेंटली, नोट्स जो बनाया था सर उसको बहुत रिविजन किया है, मीन्स बिना रिविजन के तो सर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक प्रिपरेशन थी सर वो बहुत अच्छे से करी है। और सर बस, तो अगर ऐसे करेंगे कंसिस्टेंटली पढ़ाई की तो सर एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेट। सर मैं एक जस्ट चीज ऐड करना टू चाहूंगा हाँ, सर, जैसे आर्या ने बताया कि नोट्स रिवीजन बहुत जरूरी है सर, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो सर हर टीचर बोलता है बट हम लोग कभी नहीं सुनते हैं। बिल्कुल वो शॉर्ट नोट्स बनाना होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो लास्ट में बहुत हेल्प होती है, बट बिल्कुल कोई नहीं सुनता वो सर। लेकिन मैंने सुना लास्ट में मैंने सारे प्रिपेयर किए, सारे शॉर्ट नोट्स बनाए प्रॉपरली, और सर वो इतना हेल्पफुल हुआ सर। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जिसको नहीं आती, जस्ट मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, जिसको नहीं आती सर, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा टॉपिक जो सारा नहीं पढ़ना होता, बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसे छोटे सर, जैसे छोटे चैप्टर जैसे पॉलीमर है सर, चार तीन चार लेक्चर के चैप्टर्स हैं, वो भी अगर आप प्रॉपरली देखें दो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के होंगे, बिल्कुल उससे एक क्वेश्चन आता है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्वांटम में पूरा नहीं पढ़ना है, ऑपरेटर वाले पार्ट से एक क्वेश्चन श्योर आता है, वो तो ईजी है, वहां से करना है। और ऐसे छोटे छोटे बेसिक बेसिक सारी, अगर कोई भी फॉर्मूला पूरा प्रॉपर याद रहे जिसको, तो वो भी आराम से 30 to 40 marks ला सकता है फिजिकल। सर मैं ऐसे ही ले आया हूँ फिजिकल, मुझे इतने ले आया हूँ इस बार, ग्रेट। सारे फॉर्मूले याद रखे, रिवाइज किए, सुबह उठ के अच्छा, वो डेली फॉर्मूले शॉर्ट रिवाइज करता हूँ। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने भी पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के तो मैंने पूरे बनाए, एंड वो सिर्फ 2 पेज में होते हैं, सिर्फ लाइक सिर्फ फॉर्मूला एंड जो भी जिससे भी मैं हाँ, रिफर इम्पोर्टेंट करके इम्पोर्टेंट समझ। पॉइंट्स जो भी हर चैप्टर के। हाँ हाँ सर, लेकिन अगर उसको एक बार भी लाइक अभी तो आई थिंक 3 4 months से थोड़ा पढ़ाई वैसी छूट गई है, लेकिन अभी भी मैं अगर उस चीज को उठा के शॉर्ट नोट्स भी देखूँ तो उससे वो पूरा समराइज हो याद रह जाता है सर, जाते। लाइक बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है वो, उससे बहुत उसको मैंने डेली पढ़ती थी, लाइक एग्जाम के पहले भी वो जो शॉर्ट नोट्स थे, डेली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले फिजिकल के एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मैंने पढ़े हैं डेली। एंड वो ग्रेट। उससे फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे जब हम करने जाते हैं एग्जाम टाइम हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होता है, बट अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं मे बी हम कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी भूल सकते हैं सर। तो वो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, तो सर वो भी भूल सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल फिर तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर। तो ये डेली मैंने प्रैक्टिस करी है शॉर्ट नोट्स की, फॉर्मूला की, ये बहुत हेल्प किया है सर। जस्ट कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, जब बच्चे देख रहे हैं जिनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, लाइक अभी का मुझे नहीं है आइडिया, बट हाँ, पढ़ाई का अगर हम लेवल देखें, थ्योरी नॉलेज वहाँ पर अच्छी देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत लैक है। मीन्स आप किसी भी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। जो बच्चे IITs में हैं या कोई टॉप यूनिवर्सिटी में, उनको ये चीज़ें ऐसी लगती होंगी कि यार क्लासेस तो होती हैं बच्चों की MSc में, तो ये लोग अलग से इतना मेहनत क्यों। बट वहां से एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आना जहां पर लाइक लिटरली वहां पर एक तो अवेयरनेस की भी कमी है बच्चों में, जो कि किसी को पता नहीं है ज्यादा। अब तो ऑनलाइन की वजह से चीजें बहुत चेंज हुई है, बट मैं भी जब वहां पर था तो बहुत प्रॉब्लम थी अवेयरनेस की। हमें पता नहीं था आगे करना क्या है, CSIR नेट के लिए कैसे पढ़ना है, गेट के लिए कैसे पढ़ना है। जो सिलेबस है वो तो ठीक है, वो ठीक ठाक है, मीन्स वो एग्जाम लेवल का है, बट एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन और एक होता है सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन, उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अलग तरीके से होती है, जैसा आप लोगों ने जो पॉइंट्स बताए वो सब बिल्कुल बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करने चाहिए। तो आई होप कि जो भी बच्चों ने वीडियो देखा और जो भी आप लोगों की बातें सुनी, उससे मोटिवेट हुए होंगे, उससे चीजें सीखी होंगी। मोटिवेट तो चलो ठीक है, वो अपनी जगह है, बट हाँ, सीखना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो वो कर सकते हैं फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम। और होपफुली अगली बार मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा होगा, वो आपका रेफरेंस, जैसे आपने नूपुर का रेफरेंस दिया, तो आपका रेफरेंस दे रहे होंगे कि सर हमने वो इंटरव्यू देखा था, तो इस वजह से हम प्रिपेयर कर पाए और वो सारी चीजें। तो बहुत अच्छा लगा आर्या और यशदीप, आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, हम आप लोगों से बात करके अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।